today I am going to discuss about super moon. Here we have given one circuit diagram, find IH. Means आपको इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट सुपर नोड की कंडीशन क्या है आप कैसे पता लगाएंगे. दिस इज सुपर नोड. जब टू नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो. हियर यू कैन सी दिस इज नोड वन एंड दिस इज नोड टू. ओके, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है. मीन्स ये आपकी सुपर नोड की कंडीशन है. ओके, हियर वी विल अप्लाई कैसे. फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे. स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे. जो आपका सुपर नोड में जो आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स वन एंड टू नोड के बीच में कनेक्ट है, देन वी वन माइनस वी टू इक्वल सिक्स. ओके सॉरी, मैं इसे वी टू माइनस वी वन इक्वल सिक्स लिखूंगी. वी टू माइनस वी वन इक्वल टू सिक्स बिकॉज प्लस साइन किस साइड है. प्लस साइन आपका वी टू साइड है, इसलिए फर्स्ट में वी टू माइनस वी वन लिखूंगी. ओके, जिस साइड आपका प्लस साइन हो, यदि प्लस साइन आपका इस साइड होता देन आप वी वन माइनस वी टू इक्वल सिक्स लिखते. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है. जो आपका नोड मीन जिस नोड पर आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, आपका वोल्टेज सोर्स वन एंड टू नोड पर कनेक्ट है, देन अप्लाई केसीएल एट नोड वन एंड टू. ओके, मीन्स आप दोनों नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे. हियर यू कैन सी फर्स्ट केसीएल का फंडा क्या कहता है. इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट. इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आप क्या लेते हैं, करेंट डायरेक्शन. हियर मैं यहाँ पर कोई भी करेंट सोर्स गिवन नहीं है. इस नोड पर देखिए क्या कनेक्ट है, दिस ब्रांच कनेक्ट है. यहाँ आउटगोइंग डायरेक्शन ले लेती हूँ. ओके, केसीएल में आप कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले करेंट डायरेक्शन लेते हैं. जब आपके पास कोई भी सोर्स गिवन नहीं है, मीन्स करेंट सोर्स गिवन नहीं है, सिर्फ केसीएल में आपको याद रखना है जो आपकी करेंट सोर्स की डायरेक्शन सेम वही रहेगी और सारी आप आउटगोइंग डायरेक्शन लेंगे. ओके, यहाँ आपके पास इस ब्रांच पर कोई भी करेंट सोर्स गिवन नहीं है, मीन्स आप इसे आउटगोइंग लेंगे. इस नोड पर आप देखिए ये करेंट सोर्स कनेक्ट है, देन इसकी कंडीशन क्या है, मीन्स इसकी डायरेक्शन किस टाइप से है, इनकमिंग है, देन दिस इज इनकमिंग. ओके, अप्लाई केसीएल नोड वन एंड टू, देन वी वन अपॉन 0.5 V1 अपॉन 0.5 ये क्या कर रहा है आपका एंटर कर रहा है एंड दिस इज आउटगोइंग. इसे मैं इस साइड लिख लेती हूँ इक्वल टू. ओके, बिकॉज इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट, इक्वल में लिखते हैं दोनों. V1 अपॉन 0.5 एंड V2 भी मैं इसी में लेती हूँ, प्लस V2 अपॉन 0.5 प्लस V2 से और क्या करेक्ट है, V2 माइनस V3 अपॉन 0.5 V2 माइनस V3 अपॉन 0.5. ओके, बिकॉज ये भी मैंने आउटगोइंग ले ली एंड दिस इज आउटगोइंग. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सॉल्व दिस, 1 अपॉन 0.5 कॉमन ले लूंगी, देन V1 प्लस V2 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 2. ओके, solve this. Here V1 plus 2V2 minus V3 equal to 0.5 into 2, 1. This is equation second. Okay, now step third. अब step third के लिए आप क्या करेंगे, note 3 पर apply करेंगे. Step थर्ड, अप्लाई केसीएल एट नोड 3. नाउ हियर यू कैन सी, सॉरी दिस इज 0.5 ओम. अब सेम आप जैसे केसीएल में करते हैं, हियर यू कैन सी दिस इज करेंट डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है. जहां आपके पास करेंट सोर्स की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, आप सेम वही लेंगे. ये आपकी क्या है, आउटगोइंग है, इस नोड से कनेक्टेड आउटगोइंग डायरेक्शन. एंड यहाँ आपके पास इस ब्रांच में कोई भी करेंट सोर्स गिवन नहीं है, इसलिए आप इसे आउटगोइंग ले लेंगे. ओके, सिर्फ आपको याद रखना है केसीएल में सिर्फ करेंट सोर्स की डायरेक्शन सेम वही रखना है और सारी आप आउटगोइंग ले लीजिए. देन हियर यू कैन सी दिस इज आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग एंड दिस इज इनकमिंग.
means V3 minus V2 upon 0.5 plus 2 भी मैं इसका ऐड लिखूंगी बिकॉज ये भी आउट गोइंग है इक्वल 4 बिकॉज 4 क्या है आपकी इनकमिंग है इसलिए मैंने इसे इक्वल में लिया है. ओके देन सॉल्व इट. हियर यू कैन सी V3 minus V2 अपॉन 0.5 4 माइनस 2 इक्वल टू देन V3 minus V2 0.5 इंटू 2 1. ओके दिस इज इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट से ली थी. दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय कैलकुलेटर. आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे आपको V1, V2, V3 की वैल्यू मिल जाएगी. ओके मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. देन V1 equal -2 बोल्ट, V2 equal 4 बोल्ट एंड V3 equal 5 बोल्ट. ओके नाउ वी विल फाइंड IX. ओके IX इस ब्रांच में फ्लो राइट करें देन आप IX कैसे फाइंड करेंगे. IX equal V2 अपॉन 0.5. ओके बिकॉज इस ब्रांच में है इस ब्रांच में वोल्टेज आपका क्या है V2 एंड करेंट आपका 0.5. I equal V upon R के अकॉर्डिंग देन पुट दी वैल्यू दिस इज 4 एंड दिस इज 0.5. नाउ 8 एम्पियर दिस इज दी वैल्यू ऑफ IX. ओके सुपर नोड का सिंपल सा फंडा है सिर्फ आप कैसे पहचानेंगे जब टू नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है मीन्स दिस इज कंडीशन ऑफ सुपर नोड. ओके थैंक यू फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव कमेंट्स.